टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट थे और उम्र संबंधी बीमार जूझ रहे थे। टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा वर्ली शमशान घाट पहुंची। बता दें कि वर्ली शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिरला समेत राजनीति, खेल और बिजनेस से जुड़ी कई हस्तियों ने टाटा को श्रद्धांजलि दी। अमिताभ बच्चन ने लिखा कि एक युग का अंत हो गया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को भी आईसीयू में भर्ती किए जाने की खबर थी। हालांकि उन्होंने ही इसका खंडन करते हुए कहा कि वे ठीक है, रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे हैं।